में तो आंखी और बुरी तरीके से स्थिति हो गई, आंखी और छड़ी का जो है सस्पेंशन वो सब बहकावा है जनता को। जो इंसान अपने बेटे को नहीं जिता पा रहा है वो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बड़े नेता है, और वो कोई लोटा हल्का चाबी मत लीजिए, जो चाबी लिए वो हल्का चाबी मत मानिए, ओम प्रकाश राजभर एक साधारण चाबी लिए हैं। नमस्कार, इस समय यूपी के खास वो चर्चित जिला गाजीपुर, गाजीपुर वीरों की धरती, और वो गाजीपुर का एक ऐसा विधानसभा जहुराबाद, जहां से काफी नेताओं का नजरे इस जहुराबाद विधानसभा पे टिका रहता है। आज खास जहुराबाद के उस जो टैटू से मशहूर है ओम प्रकाश यादव टैटू वाले, खास बात करेंगे और सीधे उनसे मुलाकात करेंगे। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन लोग का भी दिल से धन्यवाद। इस समय देखा जाए तो काफी जो है चर्चित जहुराबाद विधानसभा के उस विधायक का है जो आज सिंबल को लेकर काफी चर्चा है। सिंबल को लेकर के चर्चा है, जहुराबाद के विधायक ने अपने पार्टी का सिंबल बदल दिया है, तो जहुराबाद की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हम विधायक को ही बदल देंगे, इसमें क्या बड़ा चीज है। लेकिन जहुराबाद के विकास को लेकर हम बात करेंगे कि आखिरकार जहुराबाद का क्या कायाकल्प बदला या फिर ओम प्रकाश राजभर का सिर्फ चुनावी निशान ही बदला। जिस तरीके से चुनावी निशान सिर्फ बदला है उसी तरीके से हवा हवाई में जहुराबाद को बदला गया है, धरातल पर कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप धरातल पे जाइए, दो चार काम दिखाइए कि हमने दस वर्ष विधायक का कार्यकाल चला रहे हैं, दूसरी बार हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी से और एक समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके, और उसके बाद भी जो इंसान अपने पार्टी के जिस पार्टी का सिंबल छड़ी ने उनको दो दो बार विधायक बनाया हो, सदन तक पहुंचाया हो, कैबिनेट में दो दो बार मंत्री बनाया हो, उस इंसान को अपने सिंबल पे भरोसा ना हो, उस इंसान से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। घोसी की जनता ने पकड़ लिया बात को कि ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं, ये वही अरविंद राजभर हैं जो अपने दल के सिंबल को धोखा देते हैं, अपने समाज को धोखा देते हैं, तो ये घोसी को क्या बसाएंगे लोग, ये उजाड़ देंगे लोग। इसलिए अब तो ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अब तकदीर खोलेंगे उस चाबी से, तो जहुराबाद की जनता के लिए एक उम्मीद की बात है कि जहुराबाद की जनता का तकदीर खुलने वाला है। जहुराबाद की जनता तकदीर खुलने वाला नहीं है, जहुराबाद की जनता वो जब चाबी लेके आएंगे तो हम जहुराबाद वाले तैयार हैं, सीधा ताला बदल देंगे। अच्छा, न ताला होगा न वो चाबी लगेगी। हमको मालूम है ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि मैं गब्बर हूँ, और गब्बर को चाबी की जरूरत क्यों पड़ेगी, जहुराबाद वालों को उत्तर प्रदेश वालों को लूटने के लिए वो चाबी बना रहे हैं। अच्छा, और हम लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग ताला बदल देंगे जी, उत्तर प्रदेश के लोग ताला बदल देंगे, वो चाबी लेके घूमते फिरेंगे। अच्छा, वो चाबी कहीं लगेगी नहीं। आप लोग सही सवाल करते ही नहीं पत्रकार महोदय, मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी जा रहे हैं तो चाबी चाबी, वो चाबी बदल दिए, छड़ी से चाबी हो गया, वो चाबी बदल लें। जब हम ईमानदारी बताइएगा, आप अपने घर का ताला बदल देंगे तो मैं चाबी लेकर क्या कर लूंगा, ईमानदारी बताइए। चाबी में भी चाबी होता है, एक मास्टर चाबी होता है, तो ये मास्टर चाबी ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बनाए हैं अभी। क्या लग रहा है कि मास्टर चाबी नहीं रखे हैं, मास्टर चाबी इतने बड़े नेता है और वो कोई लोटा हल्का चाबी मत लीजिए, जो चाबी लिए वो हल्का चाबी मत मानिए, ओम प्रकाश राजभर एक साधारण चाबी लिए हैं। तो सुनिए, वो चाबी जो लिए है ना, मास्टर चाबी मुख्यमंत्री जी के पास है। नहीं, वो तो पूरा दे दिए इनको ना, आज तीन तीन जो है उनको ऐसे विभाग मिला है। तो अरे तो सुनिए, विभाग मिल गया है, खर्चा करे ना, तो बड़ा चाबी भी मिला है, तो करे ना, चाबी भी दे दिया गया है, विभाग भी दे दिया गया है, खर्चा ही करे, इसलिए दिया गया है कि करें, कुछ करें। उन लोग को मालूम है कि ये इंसान लालची इंसान है, धोखा देने वाला इंसान है, जो अपने समाज को धोखा दे दिया, अपने जहुराबाद को धोखा दे दिया। क्या जहुराबाद को क्या दिए धोखा? आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि जहुराबाद को धोखा दे दिए, जहुराबाद में क्या विकास नहीं हो रहा है, वो तमाम ऐसे सीसी रोड और ये इंटरलॉकिंग का काम को तो एक ग्राम प्रधान और एक बीडीसी सदस्य भी करा रहा है, एक ब्लॉक प्रमुख भी करा रहा है। आप लोग प्रधान और बीडीसी ब्लॉक प्रमुख के ब्लॉक के काम को गिनवा करके जो कहीं से आप लोगों को बता दिया जा रहा है वही लेकर चल रहे हैं। विधायक का काम होता है जो कासमाबाद से चारों तरफ चलते हैं ना, एक बार समाजवादी पार्टी के विधायक को मौका जहुराबाद की सम्मानित जनता ने दिया है, सिर्फ एक बार समाजवादियों को मौका दिया, सदा सदा फातिमा जी विधायक थी, हॉस्पिटल से लेकर तहसील से लेकर पावर हाउस से लेकर चौतरफा रोड से लेकर के मजा ले रहे हैं यहाँ के लोग। आज भी सदा फातिमा जी को जितने ठगे जा रहे हैं जहुराबाद के लोग, आज उम्मीद उन्हीं से बचा हुआ है। सबको मालूम है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को जहुराबाद से कोई भगा सकता है तो उस विधायक का नाम सदा सदा फातिमा है, क्योंकि वो हर समाज के लोग को जोड़ना जानती है, हर समाज के लोगों को, समाज के लोग को वोट ले आएंगी। और दूसरी चीज एक और, मेरा कभी व्यक्तिगत माननीय सदा सदा फातिमा विधायक जी, पूर्व मंत्री जी से मेरा परिचय भी नहीं है, फेस टू फेस भी मैं नहीं हूँ,
लेकिन मैं उनका बड़ाई क्यों करता हूँ, क्योंकि उनको एक बार मौका मिला है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत हम समाजवादी पार्टी सीना ठोक के कह सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता का काम प्रदेश में बोलता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे एक बार समाजवादियों का विधायक सदा फातिमा जी थी, हमारे विधायक का काम बोलता है जहूराबाद विधानसभा में, और ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, जब जब राजभर समाज को मौका मिला है, चाहे वो कालीचरण राजभर रहे हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हों, काम अगर किसी राजभर समाज ने किया इस जहूराबाद में तो उस इंसान का नाम है, उस पूर्व विधायक का नाम है माननीय गणेश राजभर जी। अच्छा। मैं उनके कार्यकाल में वोटर नहीं था, लेकिन आज भी लोग वो काम किए थे तो आज भी लोग बताते हैं कि गणेश राजभर जी काम किए थे। उसके अलावा 10 वर्ष कालीचरण राजभर जी ने ठगने का काम किया, ओम प्रकाश राजभर जी ठग रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो भी काम आपको दिख रहा है समाजवादी पार्टी के विधायक का दिख रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जोहराबाद में जो राजभर का अगर बात किया जाए, तालमेल की बात किया जाए, तो सपा का जो वोटर है उस वोटर को लेकर क्या राजभर का तालमेल जनता से क्या रहेगा, सपा भारी रहेगा या फिर राजभर? जनता जान चुकी है, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, गठबंधन में थे एनडीए के, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल किया है, यह है ना। अगर यही ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी में होते तो ये इंसान चिल्ला चिल्ला कर यही कहते पूरे प्रदेश में कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ था तो समाजवादी पार्टी ने 37 जो है कि सांसद दिल्ली की सदन में भेजा हूं, उसमें मेरा हक है, नहीं तो समाजवादी पार्टी को तो के वोट दिया था, गाजीपुर चला, अम्बेडकर नगर चला, बलिया चला, बनारस चला, चंदौली चला, कुल और हरावत है। हम पूछना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आप एनडीए में, ये आपका वोट कहाँ गया, आपका पावर कहाँ गया? जो इंसान अपने बेटे को नहीं जिता पा रहा है वो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहा है। अच्छा हुआ कि वो मनहूस इंसान चला गया उधर, नहीं तो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल हार जाती है। अब तो जितने के जो है काफी ऐसे बदलाव भी हो गए हैं कि अब जो है उनको जो मुश्किलें था, जो उनको चुनाव निशान को लेकर, अब ऐसा चुनाव निशान खोज लिए हैं कि अब कोई जो है उस तरह से चुनाव निशान किसी को मिल नहीं सकता। चुनाव निशान ईवीएम के बाहर निकल के आके बटन को दबाता है कि जनता दबाती है। जिसके घर में दो बेटा बेटी पढ़े लिखे बैठे हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, उनसे जाके दर्द पूछिए। आज श्री अखिलेश यादव के साथ जनता जुड़ रही है तो क्यों? ऐसा नहीं कि वो साइकिल की जगह दूसरा बदलेंगे, नहीं, उनका कर्म होना चाहिए। नहीं, उनका मानना है कि हमारे हमारे जो है सिंबल को लेकर सिंबल मिल जाए, ये गुमराह करने वाले नेता हैं, हमेशा जनता को गुमराह करते हैं। चुनाव में ये नेता आता है, ये विधायक आता है जहूराबाद के अंदर, तो ये विधायक कहता है कि माननीय भीमराव अंबेडकर के बाद किसी नेता ने मंत्री पद को छोड़ा है तो वो मैं हूँ, और मैंने इसलिए छोड़ा था कि मुझे हक अधिकार नहीं मिल रहा था, आरक्षण छीना जा रहा था, संविधान पे खतरा था, तो मैंने मंत्री पद को लात मार दिया था। आप कह रहे हैं गुमराह की बात, सुन लीजिए बात, सुनिए, आप कह रहे हैं गुमराह की बात, तो क्या लग रहा है कि घोसी लोकसभा में पहले घोसी में तो आंखी और स्थिति हो गई, आंखी और छड़ी का जो है सस्पेंशन, वो सब बहकावा है, जनता को बदलने चाबी लाने के लिए कहानी बना रहे हैं, उनका छवि का, उनका उनका व्यवहार, उनका छवि और उनके बेटे का, और उनका जो जो बोएंगे वही काटेंगे। सुनिए पूरी बात पहले सुनिए, आरक्षण संविधान का नाम लेकर के, हक अधिकार का नाम लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी ने नेता बन गए, विधायक बन गए, और आज जब विधायक बन गए हैं उसी छड़ी के दम पे कैबिनेट में मंत्री हैं, तो आज जनता के आरक्षण पे आंच आ रही है, संविधान को टच करने की कोशिश किया गया, खलबली मचा हुआ है, हर समाज के लोगों ने, पीडीए के लोगों ने एक तरफा वोट किया है, लड़ रहे हैं, और आप जाके कैबिनेट में मंत्री बने हैं और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। या अब क्या ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद आएंगे तो ये कहेंगे कि मैं जब आरक्षण पे आंच आ रहा था, संविधान पे आंच आ रहा था, तो भीमराव जी बोलने वाले नेता थे और मैं चुपचाप बैठकर कैबिनेट में मंत्री बनने वाला नेता हूं, साइलेंट हो गए थे, ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 22 के चुनाव में तो कहते थे कि मैं ही जो हूं इस्तीफा देकर आया था, पद को लात मार दिया था, अब तो पद का मजा ले रहे हैं मंत्री जी, अब जहूराबाद की जनता पूछे। चलिए, हमारे साथ मौजूद रहे ओम प्रकाश टैटू वाले, खास इनसे बात हुई। फिलहाल जोहराबाद में खास तस्वीरें इस वक्त के लिए।